प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र की सत्ता में देश में नशीले पदार्थों का प्रत्यक्ष और परोक्ष उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। वे नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने गुजरात में मुंद्रा ड्रग्स मामले पर भी कई सवाल उठाए। मुंद्रा बंदरगाह पर मिली करोड़ों की दवा मुंबई में क्रूज पार्टी मामले के लिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। जब वे पंजाब में सत्ता में थे तो उन्होंने पंजाब को उड़ता हुआ पंजाब बना दिया। अब उनके पास केंद्र में सत्ता है तो क्या आप भारत के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं? लोंधे ने भी ऐसी कठोर टिप्पणी की थी। इन सभी मामलों में एक इनोवा कार है, वाहन रविंद्र कदम के नाम से मिला और उसका पता करार है। ट्रेन गुजरात गई थी, वहीं ट्रेन एनसीबी ऑफिस के लिए थी। यह ट्रेन वहां कैसे पहुंची? इसका पता लगाया जाना चाहिए। जब हमने उस वाहन की तलाशी ली जिसका नाम पंजीकृत है, लोंधे ने कहा, हमें करार का पता मिल गया लेकिन रविंद्र कदम उस पते पर नहीं रहे। इस देश में बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ आए और इन नशीले पदार्थों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम घाट की स्थापना कर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया। मुंद्रा से लेकर एनसीबी तक सभी तार जुड़े हुए हैं। लोंधे ने कहा कि समीर वानखेड़े और रविंद्र कदम, सुनील पाटिल गोसावी और भानुशाली की गिरफ्तारी के बाद यह सब सामने आएगा। बड़े पैमाने पर नशे का व्यापार चल रहा है, हमारा सीधा आरोप है। जिस तरह के सबूत, जिस तरह के फोटोग्राफ्स और जिस तरह से इसमें जुड़े हुए लोग इसमें सामने आए हैं वो भाजपा से संबंधित है। भाजपा नेताओं को उनका आशीर्वाद है, उनका हाथ उनके सर के ऊपर है और इसीलिए सब कार्रवाई हुई है। जिस इनोवा गाड़ी में, जिसका नंबर 3000 है, मैंने पहले भी बताया है आपको, उस गाड़ी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। 50 लाख के लेन देन की बात हुई है, वो गाड़ी गुजरात भी गई है, वो गाड़ी एनसीबी में भी आई है। उस गाड़ी का जो मालिक है रविंद्र कदम, वो गाड़ी जहाँ से खरीदी गई है और जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस पे रविंद्र कदम नाम के व्यक्ति रहते नहीं है, ये हमने इंक्वायरी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।